जी ये कल तू मामला बनया, सानू पता नहीं सी इस चीज़ का, लेकिन लिहाजा गल ये है कि असी बहुत परेशान है, सानू इत्थे आके परेशान कर भी रहे ने। लेकिन गल ये है जो इस इलाके का DPO साहब ने या इस इलाके का थानेदार है या इस इलाके का SHO साहब है साड़ी सुनन, असी सुबह गए थाने सदर च साड़ी किसे नहीं। नाजरीन, आज PCS न्यूज़ HD की टीम ने विजिट किया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर का, जहां एक ऐसी मरीजा से मुलाकात हुई जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। बेटी पर ससुराल वालों की तरफ से जुल्म की इंतहा। मजलूम साजिदा का कहना ये था कि शोहर दूसरी शादी करना चाहता था। मैंने जब अपने शोहर को दूसरी शादी करने से रोका, मुझे उस घर में बुरा तसव्वुर किया जाने लगा। मजीद साजिदा का ये भी कहना था कि मेरे इस इसरार पर ससुराल वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। पेट में टांगे मार मार कर पेट में मौजूद 8 माह की मासूम नन्ही जान का ज़िया कर दिया। बाकी आपको सुनवाते हैं साजिदा और उसके वारिसान की जुबानी। मेज़बान असद उबैदुल्ला, आज हम इस वक्त मौजूद है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर में। यहाँ हुई जुल्म की एक अनहोनी दास्तान, आइए हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं के वारिसान की जुबानी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? साइदा बिन मेर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इसकी आपकी ये जो हालत है इसका कौन जिम्मेदार है? अस्पताल में आया कि आपके साथ सही सलूक नहीं होता था या सही आपकी प्रॉपर जो है देखभाल नहीं हो रही थी, क्या वजह? सही देखभाल नहीं हो रही थी और जुंडे लेकिन जुंडे पट्टे लेकिन नहीं गुटी एक ने रखा हमारे यहाँ कोई पता नहीं लगे कि मैं हमारा बेहोश कर देता हूँ। ये किसने किया, किसने किया, कौन है इन सबके? एक उजमा, एक रानी बीबी, एक आपका क्या रिश्ते हैं, क्या लगते हैं? ससुराल वाले। रानी बीबी क्या लगती है? मेरी सास। और ससुर का नाम क्या है? मोहम्मद मकबूल। बाहर चले गए तो उनको इस बात का इलम नहीं है जो आपके साथ सलूक हुआ है या जो दरिंदगी का निशाना बनाया उन लोगों ने आपको? सब हिसाब मालूम है। तो इस पर क्या उसने कोई रिएक्शन नहीं लिया? नहीं। नाज़रीन, मैं तो कुछ कहने से कासिर हूँ। जो बात ही आपने उस बच्ची की ज़ुबानी सुनी, क्या उसके साथ नारवा सलूक होता रहा ससुराल में और उसने अपनी आप भी थी सारी आपको बताई। तो मेरे साथ इस वक्त बच्ची के जो हैं वारिसान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि बच्ची के साथ उनके ये जो इस हालत में वो पड़ी हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा उनको अपनी होश भी नहीं है इस वक्त, इस सब का जिम्मेदार कौन है या जो भी सलूक होता रहा उसके वारिसान की ज़ुबानी सुनते हैं जी। आप ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला हुआ है बच्ची के साथ, ये जो नारवा सलूक किया गया है, ज़्यादती की गई है बच्ची के साथ, इन सब का कौन जिम्मेदार है? क्या ये मसला, बच्ची ने पहले आपको बताया नहीं कि उसके ससुराल में उसके साथ ये सलूक हो रहा है? ये हमने बताया जी, इसने बच्ची ने बताया है तो ऐसी उन्होंने इलाह भी की है, उन्होंने साड़ी ये गलत अमल नहीं किया, उन्होंने आख्या भी ऐसी थोड़े दिन एक्शन करा तो ये जब ऐसी उन्होंने गल की है भी सिर पर हाथ ही फेर दो हल करने लिए डॉक्टर को जाते, उन्होंने आख्या डॉक्टर इन्होंने एक्शन करना है, असी ये कर नहीं देना, तो मर्दी झट न मर्दी हूँ मर जाए, असी इन कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये गल् उन्होंने कीतिया ने साडे नाल, असी उन्होंने देर मुड़ बच्ची का जो करते पे असी करते पे हैं, जोड़ा बच्चा करते पे तरला लिया जो भी किया। बहन के साथ होने वाले जुल्म ने भाई को भी आपारा कर दिया। मजलूम साजिदा के भाई PCS न्यूज़ की टीम को इंटरव्यू देते हुए बेसाख्ता रो दिए। जी ये कल तू मामला बनया, सानू पता नहीं सी इस चीज़ का, लेकिन लिहाजा गल ये है कि असी बहुत परेशान हैं, सानू इत्थे आके परेशान कर भी रहे ने। लेकिन गल ये है जो इस इलाके का DPO साहब ने या इस इलाके का थानेदार है या इस इलाके का SHO साहब है साड़ी सुनन, असी सुबह गए थाने सदर च साड़ी किसे नहीं सुनी।